नमस्कार बागवान भाइयों, अभी मैं आया हूँ प्रताप चौहान जी के एप्पल ऑर्चर्ड में। काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्म है ये, रूट स्टॉक के साथ साथ सीडलिंग में भी इनका काफ़ी बढ़िया काम है और स्टोन फ्रूट में भी काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो आपकी ऑर्चर्ड की एलिवेशन है वो क्या है और इस ऑर्चर्ड पर आप कौन सी वराइटीज़ पर काम कर रहे हैं? हमारा जो एलिवेशन है, एक तो ये ईस्ट फेसिंग है। ओके सर, पहली बात है। दूसरा जो है, ये 5000 से लेके 5500 फीट तक हमारा पूरा एलिवेशन है। तो इस एलिवेशन में आपने कौन सी वैरायटीज ज़्यादा तौर पे? देखिए, इसमें जो है हम स्टोन फ्रूट में भी और डिलीशियस ग्रुप सेब में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके सर। स्टोन फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो नाशपाती में हम जो है कोई 7-8 वैरायटी उगा रहे हैं। ओके सर। अगर मैं नाशपाती की बात करूँ तो नाशपाती में मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी जो वैराइटीज़ है उनका जो प्रोडक्शन और जो प्राइस जिसका अच्छा आ रहा है, okay. उसमें मोटी डंडी और कारमेन, इसके बाद बार्गोमेंट और फिर पैकहम, okay. और लास्ट में जो है कॉनकॉर्ड या तुम्बा नाशपति जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छा काम कर रही है। फिर इसके अलावा जो है प्लम की भी हम कम से कम कोई 5-6 वैराइटीज़ उगा रहे हैं। okay. इन 5-6 में जो सबसे अच्छी वैराइटी है वो अर्ली के लिए रेड ब्यूट है। okay, sir. फिर ब्लैक एम्बर है और फ्रायर है। हाँ, ये तीन वैराइटीज है। सेब में जो है काफ़ी सारी वैराइटीज उगा रहे हैं हम, मतलब एटलीस्ट अगर डिलीशियस की बात करें तो डिलीशियस ग्रुप में जो है जेरोमाइन, स्कारलेट 2, सुपर चीफ है आपका, रेड विलॉक्स है, किंग रॉट है, मेमा मास्टर है और इसके अलावा रेड कान है, अर्ली रेड वन है। okay. इन वैराइटीज़ पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके सर। तो सर, आप सीडलिंग के साथ साथ रूट स्टॉक में भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस लगती है जो वैराइटी आपने रूट स्टॉक के ऊपर लगाई? देखिए, रूट स्टॉक और सीडलिंग पे मैंने पीछे भी एक यूट्यूब में वीडियो डाला था, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल रूट स्टॉक में जा रहे हैं और इम्पोर्टेड प्लांट्स खरीद रहे हैं और उसमें खासतौर पर M9 खरीद रहे हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि जो डिलीशियस ग्रुप पे जो लोग जाना चाहते हैं, जिसमें आप किंग रॉट है, जेरोमाइन है या स्कारलेट 2 इत्यादि फलों के पौधे हैं उनको लगाना चाहते हैं, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप M9 ना लगाएं। Okay. अगर आपने M9 पे खेती करनी है तो आप जो है उसमें 111 111 पे जाएं। हाँ जी। या आप 793 पे जाएं या आप 116 पे जाएं। okay. क्योंकि इसमें जो है थोड़ा विगरस है, क्या बोलते हैं, विगरस प्लांट बनेगा। हाँ जी। और अगर आप गाला की खेती करना चाहते हो तो गाला में जो है M9 जो है काफ़ी सक्सेसफुल है। ओके okay. अगर गाला हम उसके सीडलिंग के ऊपर लगाना चाहे तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट रहेगा? सीडलिंग पे मैंने गाला का देखा है, थोड़ा साइज का एक विशेष रूप से दिक्कत आ रही है। ओके। बाकी कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है। अगर आप अच्छी थिनिंग करोगे तो शायद उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जो है गाला में जो है मोस्टली मैंने जो देखा है उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो M9 और 111 पे काफ़ी अच्छा फ्रूट और साइज आ रहा है। ओके। M9 और जो 111 रूट स्टॉक है उसमें बोला जाता है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, सीडलिंग में हम वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, मैं पूरी तरह से इस आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ कि आप जो है अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है ऑर्चर्ड का और आपका जो साइट है वो एकदम नई है या आपने ओल्ड ऑर्चर्ड को जो है अपरूट किया है, तो मेरे अंदाजे से जो है आपका M9 और 111 भी अच्छा काम करेगा। okay. अगर आपकी ज़मीन पुरानी है और उस बीच में आप ही इंटर फार्मिंग में बड़े पौधों के बीच छोटे पौधे लगा रहे हो, तो सीडलिंग आपके वहाँ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सेकेंडली, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि M9 के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, आपको इसके साथ साथ जो है ड्रिप इरीगेशन चाहिए और ज़्यादा पानी चाहिए। अगर आपके पास पानी की कमी है, आपके पास जो है क्या बोलते हैं आपका साइट अच्छा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंने अपना मेरा जो खुद का तजर्बा है, सीडलिंग पे जो है अच्छी परफॉर्मेंस डिलीशियस ग्रुप कर रहा है।
ओके, जिसमें आपका स्कारलेट टू है, चाहे जेरोमाइन है, चाहे किंग रॉट है, इसका जो फलों का जो आकार है, गुणवत्ता है, मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो है M9 या 111 से कमज़ोर है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे बागवान जो है जो भ्रमित हो रहे हैं या उनका जो ज़्यादा पैसा जो है रूट स्टॉक या इम्पोर्टेड वराइटीज़ में जा रहा है, वो ध्यान दें और अपने आपको पैसे भी बचाएँ, और आप उतने ही वर्षों के अंदर, 3 से 4 वर्षों के अंदर जो है आपको उतने ही फल उससे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे माना जाता है और कहा भी जाता है कि जो M9 रूट स्टॉक है उसमें फसल जल्दी आती है, और सीडलिंग का अगर देखा जाए तो 5 या 6 साल वो लेता है, तो इसमें क्या कहना है आप? मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो प्रोनिंग सिस्टम है अगर उसको आप M9 की तरह ही करोगे, सीडलिंग का टॉप स्पिंडल पे आप उसको दोगे, आप उसको ऊपर से काटना छोड़ दोगे, तो 3rd साल वो भी फल में आ जाएगा। तीसरी साल सीडलिंग पे भी फल आ जाएगा 3rd ईयर में। मैंने ये अपने यहाँ करके देखा है इस तरह से। आजकल कन्फ्यूजन इसमें भी है कि जो वैरायटी की सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू एलिवेशन, उसमें फार्मर काफी कंफ्यूज हो रहे कि किस एलिवेशन में कौन सी वैरायटीज लगाए, तो आपका क्या कहना है कि इस कन्फ्यूजन से कैसे फार्मर्स बचे? देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज़ हो रहे हैं। आए दिन एक कोई ना कोई बागवान या कोई एक्सपर्ट जो है नई वीडियो अपनी लॉन्च करता है। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत सारे कंफ्यूजन में मत जाइए। जहाँ मेरा अपना अनुमान है कि 4,000 से लेकर 6,000 फीट के बीच में अगर आप खेती कर रहे हो, हाँ जी, तो आपके लिए जो मोस्ट सूटेबल वैरायटी है वो स्कारलेट टू है, जेरोमाइन है, रेड विलॉक्स है और किंग रॉट है। ओके सर। इसके अलावा आप, मैं नहीं सोचता कि आप दूसरी वैरायटियों को चूज करें डिलीशियस ग्रुप में। ओके सर। अगर आप गाला की बात करें उसमें, तो गाला में जो है मेरा ये मानना है कि गाला में आप जो है ना स्नीको रेड, डार्क बेरन गाला, गाला वॉल, इवन के गेल गाला और रेड लम गाला जो है आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ओके, जो सर 6,000 से 7,000 की फीट, जो 6,000 से 7,500 की फीट की जो ऊंचाई है, हाँ जी, उसमें जो है आप अर्ली रेड वन को चूज कर सकते हो, आप रेड कान को चूज कर सकते हैं। हैपके को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो 7,500 के ऊपर ही अगर आप लगाए, उसमें काफी डिलेड कलर है, काफी डिलेड कलर है। और इसमें जो है आपका किंग रॉट भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है, या मैमा मास्टर जो है ये भी ठीक काम कर लेगा। ठीक, अच्छी वैरायटी, मतलब जो 75 से ऊपर हाइट है उसमें किस वैरायटी में जाना आप है? अगर आप 7500 से ऊपर वाली हाइट पे अगर आप खेती की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरे अंदाजे से जो है आप अगर वो सनी साइड है जिसमें सुबह की धूप सीधी लगती है, वहाँ पे आप किंग रॉट भी आप उतना ही अच्छा तैयार कर सकते हैं, रेड कान भी कर सकते हैं, और हैपके में उसमें वहाँ आप जा सकते हो या इस पर पे जा सकते हो, तो ये वैरायटी जो है वहाँ पे ठीक परफॉर्म करेगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो रूट स्टॉक फार्मर नहीं लगा रहा, आजकल ऐसे भी कन्फ्यूजन है कि अगर रूट स्टॉक नहीं लगाएंगे तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो क्या फार्मर सीडलिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं कम डिस्टेंस पे? देखिए हाई डेंसिटी पे सीडलिंग पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैंने भी अपना एक मॉडल ऑर्चर्ड जो है ना हाई डेंसिटी पे सीडलिंग पे लगाया है। ओके, वो 2-1 साल में प्रोडक्शन में आ जाएगा। वो लगभग मेरा बगीचा जो है कोई 6 से 7 बीघे में लगा है। ओके, और मेरा यही अपना जो वो है उस पर मेरा अभी रिसर्च का काम चल रहा है, तो उसमें मैं बागवानों को यही जो अगले 2-3 साल में बाहर आएगी तो उसको मैं जो है उसकी जो ट्रेनिंग और प्रोनिंग है वो मैं रूट स्टॉक की तरह कर रहा हूँ। Okay, उसकी जो मेरी प्लांटेशन है वो 5 फीट वाया 9 फीट में है। Okay, प्लांट टू प्लांट 5 फीट, रो टू रो 9 फीट है। 9 फीट, तो लगभग ये जो है एक आइडियल डिस्टेंस है। Okay, और मैंने कुछ और प्लांट्स भी जो मेरे फ्रूटिंग में आ गए सीडलिंग पे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा बागवानों को ये सलाह रहेगी कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, जहाँ आपके पानी की कमी है, जिस जगह पे आपको जो है लगता है कि हमारा जो सॉइल का स्ट्रेटा है वो कमज़ोर है, वहाँ जो है आप सीडलिंग पे खेती करिए। US में भी अभी बहुत सारा काम जो है आजकल सीडलिंग पे भी काम चल रहा है। ओके, वो लोग भी अब दोबारा सीडलिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रूट स्टॉक में जो है अगर आप उसका मेंटेनेंस कमज़ोर हो गया आपका, तो आपका रूट स्टॉक का जो बगीचा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। ओके, तो आपने एप्पल फार्मिंग के साथ स्टोन फ्रूट की फार्मिंग भी आप कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको स्टोन फ्रूट फार्मिंग में और एप्पल फार्मिंग? देखिए मेरा ये मानना है कि जो स्टोन फ्रूट में हम जैसे नाशपाती की खेती कर रहे हैं, तो अगर हम आउटपुट के हिसाब से अगर उसको देखें तो नाशपाती का जो आउटपुट है वो सेब के मुकाबले 1.5 गुना है।
ओके। सेकेंडली जो है जैसे सेब के अंदर बीमारी है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं माइट है, स्कैब है, आपका जो है वूली एफिस है, आपका पाउडर मीडियो है, ये सेब के लिए चार पांच बीमारियां जो है बहुत ही खतरनाक और घातक सिद्ध हो रही है। और हमारे बागवानों के बहुत सारे पैसे जो है दवाई वाली कंपनियों को जा रहे हैं और परेशान भी है वो लोग। तो अगर हम नाशपाती की बात करें तो नाशपाती के अंदर ना वूली एफिस है, हाँ जी, ना ही इसके अंदर रूट बोरर है, ना ही इसके अंदर जो है ना पाउडर मीडियो है। हाँ देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रोथ का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अलावा जो है क्रॉप भी इसमें जो है आपको कंफर्टेबली मिल जाती है। और मार्केट के अंदर जो डिमांड है, अगर जो नाशपाती की मैं आपको बता दूं, नाशपाती की जो प्रोडक्शन है वो सेब के मुकाबले 1-2% है। तो नाशपाती में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पॉजिटिव ग्लूकोज है। पॉजिटिव ग्लूकोज का मतलब ये है कि जो जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, आज हमारे देश के अंदर जो है लगभग आधे जो लोग हैं वो शुगर से प्रभावित है, तो वो जो है सेब नहीं खा सकते हैं क्योंकि सेब के अंदर जो ग्लूकोज है वो उनके लिए नुकसानदेह है। तो इसमें पॉजिटिव ग्लूकोज है, वो जो शुगर का पेशेंट है अगर वो उसको खाएगा तो उसका शुगर कंट्रोल में हो जाता है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी जो है, शोध के बाद इस बात का पता चला है कि नाशपाती के अंदर ये बात है। और नाशपाती जो है आपको एक बड़े आराम से जो है 60-70 साल तक वो चल सकती है उसके पौधे। और प्लम, प्लम की बात, प्लम का जहां तक सवाल है कि आने वाले दिनों में जो अभी जो पिछले 3-4 वर्षों में हिमाचल के अंदर जो बाहर से यूरोपियन प्लम्स आए हैं, हाँ जी, उसमें जैसे रेड ब्यूट है, ये जो निचली हाइट है 4-5 हज़ार फीट वाली, वो मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में ये प्लम आता है। और उसके जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब एटलीस्ट मार्केट के अंदर वो प्लम जो है 100-120 रुपए किलो बिक रहा है। फिर इसके बाद जो है ब्लैक अंबर आता है, ये इसके जो है 20-25 दिन बाद आता है। ब्लैक अंबर का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है और काफ़ी ये भी उससे भी अच्छी कीमत इसकी मिल रही है। फिर अगर आपने थोड़ा और लेट जाना है, अगर और बड़े साइज़ का आपको प्लम चाहिए तो फ्रायर जो है इसके अंदर ये अच्छा इसका काम है। लगभग एक प्लम का साइज जो है 150 से 225 ग्राम तक एवरेज प्लम जो है वो आ रहा है। तो ये प्लम की अगर आप खेती करते हो तो मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि हमको सेब से ज़्यादा पैसे पर बीघा आ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। जिसके अंदर बीमारियां मैं अगर कहूँ, इसके अंदर ना माइट है, इसके अंदर ना वूली एफिस है, इसके अंदर ना रूट बोरर है, इसमें अगर आप स्प्रे भी नहीं कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये जो प्लम के साथ एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारे जो है कम खर्चे में हमें जो है उससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रताप चौहान जी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर किया वीडियो के माध्यम से। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।